हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीत रेसिपीज। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही आलू की सब्जी। ये तो आपने रेसिपीज कई देखी होंगी और ट्राई भी की होंगी, आपने बनाई भी होंगी, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप मेरे इस तरीके से दही आलू की सब्जी बनाएं तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 8 से 10 आलू लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे से, और ऐसे मैंने आलूओं को कट कर लिया। मैं इसको मैश करूंगी अच्छे से और एक आलू को मैं ऐसे ही रखूंगी, ये हमारे गार्निश के काम आएगा एंड में, तो ऐसे ही इसको मैं रख दूंगी। बाकी आलूओं को मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो ऐसे हम आलूओं को मैश कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। अब मैं इसके लिए लूंगी मसाला। रेडी करने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 टमाटर बारीक कटे हुए मैंने लिए हैं, और 10 से 12 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसकी मैं पेस्ट रेडी कर लूंगी। तो ऐसे मैंने टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट रेडी कर ली है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। तो ऐसे मैंने लिया है एक कढ़ाई, और जिसमें मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। मैंने ये सरसों का तेल डाला है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है गर्म होने के लिए, इसलिए इसको मैं अच्छे से पका रही हूँ। तो अब ये जो हमारा सरसों का तेल है अच्छे से पक चुका है, इसको हम थोड़ा सा धीमी आंच पे करेंगे और अपने टमाटर और लहसुन की जो पेस्ट हमने रेडी की है वो इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे करके आप डालिए क्योंकि ये सरसों का तेल है तो थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ऐसे हम पेस्ट को धीरे धीरे डालते हिलाते जाएंगे। ऐसे मैंने सारी पेस्ट इसमें डाल लेनी है टमाटर लहसुन की, और अब हम इसको पकाएंगे लगभग 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो जब तक ये हमारा टमाटर और लहसुन की पेस्ट पकती है, पककर अच्छे से रेडी होती है, तब तक हम अपने सूखे मसाले रेडी कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं लूंगी 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी। इसको हल्का गरम करना है हमने, और इसमें डालनी है काली सरसों यानी कि राई। तो ऐसे आधा चम्मच मैं काली सरसों डाल रही हूँ यानी कि राई डाल रही हूँ। तो इसको भी हम एक मिनट के लिए पकाएंगे, और इसके साथ डालेंगे सूखा धनिया। बिल्कुल आधा छोटा चम्मच ही हमने डालना है सूखा धनिया। तो ऐसे इसको भी पकाएंगे, और इसके साथ ही मैं डालूंगी एक लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। मैं मसाले पहले भी ऑयल में डाल सकती थी लेकिन उससे इसका फ्लेवर अच्छा नहीं, ऐसे डालने से जो सूखे मसाले हम ऐसे रेडी करते हैं इनका बिल्कुल रॉ फ्लेवर आता है, अच्छा फ्लेवर आता है। तो ऐसे इसको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। तो ये हमारे पक चुके हैं। अब हम अपने टमाटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर है वो भी पक रहे हैं। तो ऐसे इसको हिलाते जाएंगे, और इसमें हम अपने सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर्स में भी हमारे जो सूखे मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। तो ऐसे हमने इसमें ऐड कर देने हैं सूखे मसाले भी, और इसको अच्छे से पकाना है। लगभग 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पकाते हुए हम इसमें डालेंगे। ऐसे हम अपने सूखे मसाले पूरी तरह से पैन से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हिलाते जाएंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। मैं नमक 2 छोटे चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ इसको पकाते जाएंगे धीमी आंच पे। तो ये देखिए हमारे जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो रहे हैं टमाटर में। तो अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को हमने ज्यादा नहीं पकाना है, लगभग 1 मिनट के लिए ही हम इसको पकाएंगे। मैंने 100 ग्राम दही ली है, तो ऐसे मैंने दही को भी बीच में डाल देना है। दही को हिलाते हुए मिक्स करते हुए साथ के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटो जिसको मैंने अच्छे से मैश किया था, क्योंकि दही अगर ज़्यादा पकाए तो फट जाती है, इसलिए मैं इसके साथ ही
अपने मैश किए हुए आलू डाल दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ऐसे ही है, हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 बड़े कप गरम पानी। हल्का गरम पानी डालना, हमने ज़्यादा गरम नहीं करना है। तो ऐसे पानी डालते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो हमारे मैश किए हुए पोटैटो हैं पानी को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं, इसलिए हमने थोड़ा पानी ज़्यादा लेना है। तो आप अपने आलूओं के अकॉर्डिंग ही पानी डाल सकते हैं। अगर आपको पानी कम लगे बाद में तो और ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे इसको पकाते हुए हम साथ ही कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे थोड़ी सी, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। और इसको एक बॉयल दिलाएंगे अच्छा सा। लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हम आलूओं को अच्छे से पका लेंगे। तो इसको ढककर पकाएंगे हम। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हम अपने आलूओं को अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो आलू हैं बनकर अच्छे से रेडी हो गए हैं, ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो गई है। तो ये देखिए, जो हमारे आलूओं ने पानी भी ऑब्जर्व कर लिया, पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो अब ये जो हमारे आलू हैं बनके अच्छे से रेडी हो गए हैं पूरी तरह से। अब हम इसको सर्व करेंगे एक बड़े बाउल में। ऐसे मैं इसमें आलू डालूंगी। ये जो आलू है आप रात की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे। जो आलू मैंने रखा था ऐसे इसको बीच में से कट करके, मैंने आपको बताया था कि मैं इसको एंड में गार्निश में यूज़ करूंगी। तो ये मेरे पोटैटो है। तो ऐसे हम अपने आलूओं को अच्छे से गार्निश करेंगे। ये जो आलू हमने बनाए हैं आप दोपहर के खाने के साथ, रात के खाने के साथ, इवन आप सुबह पूड़ियों के साथ इसको खाइए, ये बहुत अच्छे लगेंगे आपको। तो ये हमारी आलू की सब्ज़ी बनके रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।